हम लोग बाइनरी सर्च ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आज हम लोग बात करेंगे कि इसका हम यूज क्यों करते हैं और इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इन दोनों बातों पे हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी बेनिफिट्स देख लें। तो मान लीजिए कोई हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री है, मैं आपको एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री है। अब देखिए बाइनरी सर्च ट्री का बेनिफिट क्या होता है। बाइनरी सर्च ट्री से सर्चिंग में बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। मान लीजिए एरे में 7 एलिमेंट पड़े हुए हैं। ये हमारे पास 6 एलिमेंट जो है किसी एरे में पड़े हुए हैं। अब जब हम इसको सर्च करते हैं तो हमें कितना टाइम लगेगा। मान लीजिए हम इसको सर्च करते हैं और हमारा एलिमेंट सबसे लास्ट में है, तो अब जो सर्चिंग करेंगे तो हम पहले एलिमेंट को सर्च करेंगे कि यहाँ पे वो एलिमेंट है, इस पोजीशन पे नहीं है तो नेक्स्ट पोजीशन पे सर्च करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन पे, उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन। इस तरह से हमें एन बार इसको चेक करना पड़ेगा और लास्ट में हमें एलिमेंट मिलेगा, अगर लास्ट में एलिमेंट है तो। ये कितना प्रॉब्लम दे सकता है। मान लीजिए लास्ट में 25 है और हम 25 को सर्च करना चाहते थे तो हमें इतना जो है एन बार इसको कंपेरिजन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये सिंपल एरे में स्टोर था। अब वहीं पे हम इसको एक बाइनरी सर्च ट्री में स्टोर करते हैं, फिर देखते हैं हमें कितना इसमें सर्चिंग में टाइम लगता है। तो देखिए जैसे ही हम सर्चिंग पे आएंगे तो हम रूट नोड को देखेंगे और इससे इसको कंपेयर करेंगे। 25 को इससे ग्रेटर है, ग्रेटर है तो यानी कि इस वाले सब ट्री में जाएगा, यानी कि ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो पहले ही कंपेरिजन में अगर वैल्यू एन एलिमेंट है तो ये 2.1 डिवाइड हो जाएगा एन बाई टू एंड एन बाई टू। यहां पे हमें हर बार हमारा वैल्यू कहां डिवाइड हो रहा था, वन में, और बाकी जो बच रहा था वो एन बाई वन एन माइनस वन। तो इस तरह से हमारे एन बार इसको चेक करना पड़ रहा था, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, पहले ही बार में ये ट्री दो भाग में बट जाएगी। एक हिस्सा ये रहेगा, एक हिस्सा ये रहेगा। तो इनमें से हमें सिर्फ वही हिस्सा चेक करना है जो कि उसकी रेंज में है। तो 15 से 25 बड़ा है तो हम इसके राइट साइड में जाएंगे। अब यहां से हम जैसे ही इस पे आएंगे फिर से ये दो भागों में बढ़ जाएगा, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट साइड। अब क्या होगा, फिर से यहां से हम लोग, ये ग्रेटर है तो हम इस तरफ जाएंगे, यानी कि ये वाला हिस्से हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं। फिर से ये एन बाई टू यानी कि एन बाई फोर और एन बाई फोर में डिवाइड हो जाएगा और हमें ये आसानी से मिल जाएगा, यानी कि हमें ये तीन स्टेप में मिल जाएगा। तो जब ये एरे में स्टोर था तो ये लॉग एन टाइम पे वर्क कर रहा था, अभी ये सॉरी तब ये एन टाइम पे वर्क कर रहा था जितने एलिमेंट थे, अब ये लॉग 2n। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी कम हो जाती है, इसीलिए हम बाइनरी सर्च ट्री का यूज करते हैं। तो जब भी हमारा डाटा सॉर्टेड होता है और वो बाइनरी सर्च ट्री में होता है तो उसमें सर्चिंग बहुत ही इजी हो जाती है, इसीलिए हम बाइनरी सर्च ट्री का यूज करते हैं ताकि सर्चिंग बहुत आसान हो जाए। इसका एग्जाम्पल हम अपने रियल लाइफ से अगर लें तो मान लीजिए आपका आपके पास कोई बुक है जिसका हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, बाइनरी सर्च ट्री का यूज हम लोग आजकल बहुत ज्यादा करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई बुक है जिसमें 500 पेज हैं। अब हम इसमें से 240 पेज पे जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम क्या एक एक करके 240 पेज काउंट करेंगे उसके बाद 240 पेज पे पहुंचेंगे? नहीं, हम रेंडमली बुक को इस तरह से खोलेंगे कि वो हाफ से खुले, यानी कि मान लीजिए 250 के आसपास कोई, चलिए 255 पेज नंबर ओपन होता है पहली बार में। जैसे ही 255 पेज नंबर ओपन होता है हम समझ जाते हैं कि ये कि हमें इसके बाद नहीं जाना है क्योंकि हमें 244 चाहिए, हमें इसके पहले जाना है। तो हम इसके बाद वाले जो जितने भी 244 जो पेज है, 45 पेज, इनको हमें देखना भी नहीं है, हम इसके पहले चेक करेंगे। और इसके पहले भी हमें देखना है कितने 10-15 पेज पहले जाना है, तो या तो हम वो 10-15 पेज सर्च करेंगे या फिर 10-15 पेज को एक साथ शिफ्ट कर देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हम आ गए 252 पे, फिर से हम अप्रोक्सीमेटली टर्न किए तो 252 पे आ गए, उसके बाद हम दो पेज बाद जाएंगे तो 240 पे हम यहाँ पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग बाइनरी सर्च ट्री का यूज डेली लाइफ में भी करते हैं। तो इस तरह से ये डाटा स्ट्रक्चर काफी यूजफुल होता है। अब इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में देख लेते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या हुई और हमें क्यों नई एवीएल ट्री का यूज करना पड़ा, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स थी इसके साथ। तो सबसे पहले तो ये यूज तब हो रही थी जब ये
किसी भी डाटा को डिवाइड कर दे रही थी दो हिस्सों में। अब मान लीजिए हमारे पास एक डाटा है इस तरह से, इस तरह से कोई डाटा है। अब हम जब इसकी बात करें बाइनरी सर्च ट्री की, तो ये किस तरह से इंसर्ट होगा, 1 ग्रेटर है 3 ग्रेटर है 5 ग्रेटर है 9 ग्रेटर है 11 ग्रेटर है 13 एंड सो ऑन 20। अब अगर हम इसकी बात करें तो क्या इसमें हमें ये बाइनरी सर्च ट्री है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें अरेंज उसी तरह से है। लेकिन क्या है? इससे हमें कोई यूज कोई फायदा हुआ बाइनरी सर्च ट्री का? बाइनरी सर्च ट्री क्या करती है कि इसको n बाई 2 में डिवाइड करती है। अब यहाँ पे जब हम आएंगे तो इसके लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो डिवाइड कर ही नहीं पाएगी, तो यहाँ पे एक एलिमेंट कम होगा, ये n माइनस 1 पूरे एलिमेंट रहेंगे। यानी कि जो सिंपल एरे में जो प्रॉब्लम थी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद, मान लीजिए हमें 20 वाले को सर्च करना है तो इसको सर्च करेंगे, यहाँ 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 पूरे सर्च करने पड़ेंगे। तो सेम वही प्रॉब्लम इसमें आ रही थी जो हमारे सिंपल एरे में आ रही थी, यानी कि हमारे बाइनरी सर्च ट्री का यहाँ पे कोई यूज ही नहीं हो पा रहा था। अब मान लीजिए कोई ऐसी चीज ना हो कि कोई ऐसा भी होता, मान लीजिए यहाँ पे 8 होता, तब भी ये वही प्रॉब्लम है। मान लीजिए हमें इसको चाहिए तो हमारा सिर्फ एक लेस होता, यानी कि हमारा जो है कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे एक एलिमेंट कम हो जाता, हमें इसको चेक नहीं करना पड़ता, हम यहाँ से सीधे इसको बाईपास करते हुए निकल जाते। एक एलिमेंट दो एलिमेंट इस तरह से कम होते तो इस तरह के केसेस आने लगे, जो कि नॉर्मल है, आएंगे ही। तो इनसे क्या होगा कि हमारी बाइनरी सर्च ट्री की जो है प्रॉब्लम बढ़ती गई, कि बाइनरी सर्च ट्री से हम हर जगह इसको यूज नहीं कर पा रहे थे, तो ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एटीन ट्वेल्व नाइन सेवन फाइव टेन टू। मान लीजिए एक नया एग्जांपल ये है, तो इस पर क्या होगा, 18 लेस देन 12 9 7 5 एंड लेस देन ग्रेटर देन 10 एंड 2। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी सेम वही कंडीशन है। अब हमें इसको सर्च करना होगा तो इस तरफ सिंपल एरे की तरह ही अरेंज हो गए। तो इस तरह से बाइनरी सर्च ट्री में प्रॉब्लम आई, तो हम लोगों ने यूज किया है AVL ट्री। तो ये बाइनरी सर्च ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि ये सारे के सारे डाटा को अप्लाई नहीं कर पा रही थी, सारे डाटा इसमें अप्लाई एप्लीकेबल नहीं थे। तो बाइनरी सर्च ट्री के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूं आप लोग नोट डाउन कर लें। सबसे पहला, बाइनरी सर्च ट्री किसके लिए यूज होती है, सॉर्टिंग ऑफ डाटा। इसमें डाटा जो होता है वो सॉर्ट फॉर्म में रहता है। इसके एडवांटेज कौन कौन से हैं, इजी सर्चिंग, कॉम्प्लेक्सिटी जो है लॉग एन बेस टू, वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। ये हमारी नॉर्मल केस की जो है कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन जब हम इसको बस्ट केस की बात करें, जैसे कि अभी एक कंडीशन आ रही थी कुछ, वो एक्सेप्शन केस थे, एक्सेप्शन में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो होती है ओ ऑफ एन, या सिंपली इसको ऑर्डर ऑफ एन कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन होगी, जो कि वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। यहाँ पे तीनों कॉम्प्लेक्सिटी लगभग सेम होंगी। तो इस तरह से ये इसके बेनिफिट्स थे और यहाँ पे ये इसकी प्रॉब्लम थी। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि इसकी एक्सेप्शन केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है एन हो रही थी। और इसके अलावा इसका यूज किस लिए होता है, तो ये आपको हम एग्जांपल के थ्रू अच्छे से बता ही चुके हैं इसका यूज कहाँ होता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ये जो प्रॉब्लम आ रही थी बाइनरी सर्च ट्री की, जो ये डाटा सीधा स्टोर हो रहा था, इसको दूर करने के लिए हमारी नई ट्री जो आई वो थी AVL। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग AVL का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी देखेंगे कि ये कैसे वर्क करती है और इसमें कौन से जो
रोटेशन, क्योंकि ये रोटेशन पे बेस्ड है, तो इसमें कौन से रोटेशन परफॉर्म होते हैं, ये काफी इंपोर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है जो कि बाइनरी सर्च ट्री से भी ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को ये होल्ड करता है, बाइनरी सर्च ट्री प्लस बैलेंस, ये बाइनरी सर्च ट्री में एक बैलेंसिंग की प्रॉपर्टी को ऐड करके ये हमारा जो है एवीएल ट्री बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एवीएल ट्री के बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे कि एवीएल ट्री में हमें कौन कौन से रूल्स हैं उनको याद रखना है, कैसे उसमें रोटेशन परफॉर्म करना है, कैसे उसको बैलेंस करना है। मैंने बाइनरी सर्च ट्री को काफ़ी शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, वैसे ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है किसी बारे में, आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मिनिमम से मिनिमम टाइम में सारे टॉपिक कवर करूँ, ताकि आपका जो है मिनिमम टाइम में आप उसको लर्न कर सकें और उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें। उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए अपनी बुक्स यूज करें और उसमें जो प्रॉब्लम होती हैं उनको आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, तो जिसका जवाब मैं दिया करूँगा। तो मैं कोशिश